जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल कि लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। देश का एक न्यूज चैनल रिपब्लिक ये कार्यक्रम प्राइम टाइम पर कर रहा था और कार्यक्रम क्या कह रहा है, क्या जामा मस्जिद में दफन है देवी देवता। बात यहां नहीं रुकती, अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इंडिया टुडे की तरफ, एक बहुत ही जिम्मेदार न्यूज चैनल। नरसिंह देव की 1200 साल पुरानी मूर्ति कुतुब मीनार के अंदर से मिली। आपको याद होगा मोदी सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने यह भी कहा था कि अगर किसी और देश में कुतुब मीनार होता तो न जाने उसका क्या हाल हो जाता, क्योंकि बकौल प्रहलाद पटेल कुतुब मीनार जो है वो जैन और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ के बनाया गया था। आज मैं एक बहुत ही सीधा सवाल अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों आप और हम इतिहास के जहर में दफन होना चाहते हैं और उसी के चलते हम अपने वर्तमान और भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। आखिर क्यों ये न्यूज चैनल्स अपनी टीआरपी के लिए मोदी सरकार के मंत्री समाज को और पीछे ले जा रहे हैं और जहर उनमें जो है इंजेक्ट कर रहे हैं और नतीजा आपके सामने है। आज देश किन मुद्दों की चर्चा कर रहा है, कुतुब मीनार, ताजमहल, ज्ञानव्यापी मस्जिद, यानी कि कोई मुद्दे ही नहीं है। आपके स्क्रीन्स पर देखिए डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या हालत है, बद से बदतर होती जा रही है, तमाम रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि पिछले 24 सालों में थोक महंगाई दर जो है उसने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, 15% से ऊपर हो गया है, 1998 के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। क्या ये तमाम मुद्दे चर्चा में नहीं होनी चाहिए? अब ये खबर देखिए, 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस का सिलेंडर जिसका दाम 999.50 रुपए था, अब उसने 1000 के आंकड़े को पार कर दिया है। आपसे सीधा सवाल, क्या इस बड़ी खबर पर मीडिया को चर्चा नहीं करना चाहिए? क्या इसका ताल्लुक आम इंसान से नहीं है? क्या इसका ताल्लुक भारतीय गृहिणी और भारतीय परिवार से नहीं है? आज की तारीख में इनके तमाम वरिष्ठ पत्रकार जो हैं काशी पहुंचे हुए हैं और ज्ञानव्यापी मस्जिद के सामने से ज्ञान दे रहे हैं। और आप जानते हैं जिस न्यूज चैनल, जिस रिपब्लिक न्यूज चैनल का मैंने जिक्र किया था, उसी का जो संपादक है जो 7 दिन तक जेल में रहा था, उसी का संपादक पिछले हफ्ते जब टीआरपी आई थी, टीआरपी यानी कि टीवी तमाम न्यूज चैनल्स में कौन किस पायदान पर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, रिपब्लिक न्यूज चैनल उससे पिछले हफ्ते में नंबर 1 पर था और पिछले हफ्ते ये लोग नीचे गिर गए और नंबर 5 पे आ गए। यही नहीं, इनका जो अंग्रेजी का न्यूज चैनल है वो भी नंबर 2 पर आ गया और उनका जो संपादक है वो अपने चैनल पर खड़े होकर बाकी न्यूज चैनल्स को गाली दे रहा था। क्या कह रहा था कि पैसे देने से कोई नंबर 1 नहीं हो जाता, लैंडिंग पेज खरीद लेने से कोई नंबर 1 नहीं हो जाता। लैंडिंग पेज क्या होता है, जैसे कि आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, जैसे ही आप अपने केबल में रिमोट से जैसे ही आप अपना चैनल खोलते हैं, अपना टीवी खोलते हैं, तो जो सबसे पहला चैनल आता है ना वो होता है लैंडिंग पेज। और ये आरोप लगता है तमाम न्यूज चैनल्स पर कि ढेर सारा पैसा देकर वो लैंडिंग पेज खरीद लेते हैं, मगर विडंबना यह है कि जो रिपब्लिक का संपादक यह दावा कर रहा था उस पर भी आरोप लगा था कि इसने आज से कुछ सालों पहले जब इसका चैनल रिपब्लिक लॉन्च हुआ था तब इसने भी लैंडिंग पेज खरीदा। और यही नहीं, टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस की चार्जशीट में इसका नाम है। यह आदमी टीआरपी की रुदाली कर रहा था, दूसरों पर अनर्गल चीजें करने का आरोप लगा रहा था। मगर मकसद क्या है, जब इन न्यूज चैनल्स की टीआरपी गिरती है या जहरीले कार्यक्रम करने से इन्हें लगता है कि इन्हें टीआरपी मिल रही है, तब यह जहर और बढ़ेगा और यह एक बहुत जबरदस्त कॉकटेल है दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त मेल है। भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम कार्यक्रमों से मदद मिलती है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि देखिए उनके लिए बहुत आसान है, जब इस तरह के कार्यक्रम प्राइम टाइम में दिखाएंगे तो महंगाई की तरफ ध्यान किसका जाएगा, पेट्रोल की तरफ ध्यान किसका जाएगा, जो सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो कल ही मैंने अपने कार्यक्रम में आपको दिखलाया,
उसकी तरफ ध्यान किसका जाएगा? इनका मकसद सिर्फ यही है कि इन्हीं चीजों पर लोगों का ध्यान जो है वो केंद्रित रखा जाए, और उसके अलावा नहीं, कुछ और नहीं, यही जहर उगला जाए। कितने शर्म की बात है। मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, अब जबकि आप ये धमका रहे हैं कि किसी और देश में कुतुब मीनार होता तो न जाने उसका क्या हाल होता, आप क्या चाहते हैं? कुतुब मीनार को क्या आप बम गोले से उड़ा देना चाहते हैं? क्योंकि यही फितरत आपकी और यही इरादे आपके ताजमहल को लेके भी थे। ताजमहल के बारे में भी आपको याद है अदालत ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इतिहास पढ़िए, क्योंकि मांग ये की जा रही थी कि ताजमहल के नीचे जो 20 कमरे बंद हैं उसके अंदर शिव मंदिर से जुड़े अवशेष हैं या मंदिर से जुड़े अवशेष हैं। अदालत ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। अब वही ड्रामा हो रहा है कुतुब मीनार के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या करना चाहते हैं एक दर्शक होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते? क्या आप इन्हीं मुद्दों में दफन रहना चाहते हैं, और क्या इन्हीं मुद्दों से देश का भला होगा? इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। मेरे जैसे पत्रकार जो ये मुद्दा उठाते हैं, मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा। आज आप लोग मुझे गाली दे रहे हैं, कल जब आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा तब आपको ये तमाम चीजें याद आएंगी। बताइए गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 2018 में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा था, ये चार तस्वीरें देखिए, बनारस के अंदर किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया था, ये देखिए किस तरह से जो है शिवलिंग पड़े हुए सड़क पर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए पत्रकार अजीत अंजुम ने तस्वीरें पेश की हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, उस वक्त किसी का खून खौला था? बताइए, उस वक्त आप में से किसी का खून खौला था कि किस तरह से हमारी पुरानी विरासत को रौंदा जा रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए? उस वक्त स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था, उनकी आवाज को किसी न्यूज चैनल ने नहीं उठाया। इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है उन न्यूज चैनल्स के लिए जो जामा मस्जिद के नीचे मूर्तियां ढूंढते हैं, या जो ज्ञानव्यापी मस्जिद पर भड़काऊ कार्यक्रम करते हैं, जिनका पूरा फोकस सरकारी बुलडोजर पर है। तो सीधा सा सवाल, जब काशी के अंदर ये मंदिर तोड़े जा रहे थे तो उस पर ये न्यूज चैनल्स क्यों खामोश थे, मैं समझना चाहता हूं। बताइए, इस पर डिबेट हुआ था? इस पर 24 घंटे चर्चा हुई थी? नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उस पर मुद्दे उठाने का फायदा बीजेपी को नहीं है, उससे बीजेपी को नुकसान होता। यानी कि बात एक ही है, आपका मकसद है सत्ताधारी बीजेपी की सेवा करना, आपका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से मैंने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से शिवलिंग जो है जमीन पर पड़े हुए थे। कितने शर्म की बात है। क्या इन्होंने शिवलिंग को इज्जत दी? आज जब भगवान शिव के नाम पर काशी में जो चल रहा है, क्या इन्होंने भगवान शिव को इज्जत दी, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं? बताइए, है सवाल का जवाब। अब भागिए मत इस सवाल से। सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि जिन मुद्दों पर हमारा ध्यान होना चाहिए उस तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं रुपए की क्या हालत है, इकोनॉमी की क्या हालत है। अब एक और खबर मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए होता क्या है, ये तमाम न्यूज चैनल जिनका मैंने जिक्र किया, ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर जो है TRP बटोरते हैं। ठीक है, आपको याद है ना रिपब्लिक का वो संपादक जिसके व्हाट्सएप चैट मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में शामिल किया था, जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे तब उसने क्या कहा था एक व्हाट्सएप चैट में कि ऑन द डे ऑफ पुलवामा वी वन लाइक क्रेजी। जिस दिन हमारे 40 जवान शहीद हुए इसको जीत मिली, वही तो मैं समझना चाहता हूं, कैसे एक आम हिंदुस्तानी को जीत कैसे मिल सकती है जब मेरे 40 जवान शहीद होंगे। आपके सामने जो खबर जिस पर चर्चा होनी चाहिए, पैंगोंग झील पर पुल का निर्माण कर रहा चीन, फिर उकसावे की हरकत, उपग्रहों से मिली तस्वीरों के बाद भारत सतर्क। खबर क्या है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नई दिल्ली, चीन की सेना पूर्वी लद्दाख के विवादित पैंगोंग झील के एक भाग में पुल का निर्माण कर रही है। उपग्रहों से मिली जानकारी और तस्वीरों के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पुल का निर्माण झील के अपने इलाके में कर रही है, लेकिन पिछले 2 से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रही तनातनी के मद्देनजर विवादित इलाके में इस तरह का निर्माण उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।
हम गालवान में देख चुके थे, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उस वक्त भी पीएलए इसी तरह से उकसावे की कार्रवाई कर रहा था। वो तमाम न्यूज चैनल्स जो राष्ट्रवाद के नाम की खाते हैं, टीआरपी कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, किसी ने इस खबर पर फोकस किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप इस खबर पर फोकस करेंगे तो मोदी सरकार एक्सपोज होगी, मोदी सरकार कटघरे में आ जाएगी, और वो ये नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग इस सरकार की दिहाड़ी करते हैं, ये सरकार के दिहाड़ी मजदूर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बताइए, इकॉनमी पे तुम बात नहीं करोगे, रुपए की बदतर होती हालत पे तुम बात नहीं करोगे, महंगाई पर तुम बात नहीं करोगे, बात किस पे करोगे? उन मुद्दों का जिससे समाज का भला नहीं होने वाला है। इन मुद्दों के जरिए समाज में और बंटवारा होगा और अराजकता होगी, और आप देश को बिल्कुल श्रीलंका जैसे हालात की तरफ ढकेल रहे हो, जहां एक दिन का पेट्रोल नहीं बचा था। ये तथ्य हैं और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको मेरी बातें बुरी लगती हो, मुझे परवाह नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा मकसद है वास्तविक मुद्दों को जनता तक पहुंचाना, और दूसरी बात, इस देश के नागरिक होने के नाते आपके सामने हकीकत पेश करना, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद ना हों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।